Send me pieces up back together now. What's your vision? हेलो दोस्तों, कंप्यूटर गुरु यूट्यूब कंप्यूटर शिक्षा चैनल पे महेंद्र जी आप सभी का स्वागत करते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम देखेंगे लेसन जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू ऐड वेबसाइट टू गूगल सर्च। हमारी वेबसाइट को हम गूगल सर्च या इंडेक्स में कैसे ऐड करें। वेबसाइट को गूगल में ऐड करने के लिए आपके पास कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूरी है, जैसे कि आपके पास एक लाइव ऑनलाइन वेबसाइट और उसका FTP लॉगिन डिटेल, जैसे कि एडमिन लॉगिन एंड पासवर्ड, जो FTP सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बाद हमको एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमें फाइल को सर्वर साइड पे अपलोड करने के लिए काम आए, जैसे कि क्यूट FTP है एग्जाम्पल और ये फाइलजिला है। ये जो सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम करके फाइल को हम सर्वर साइड को कंप्यूटर PC लोकल कंप्यूटर से सर्वर साइड को अपलोड करेंगे, जो गूगल की वेरिफिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आपके पास गूगल का कोई भी एक अकाउंट जरूर है जहाँ से हम वेब मास्टर अकाउंट को खोल के हम फाइल अपलोड करके वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आप यहाँ भी देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे फाइलजिला बल्कि एक सॉफ्टवेयर जो होता है क्लाइंट वाला, जो बहुत फेमस है, जो मेरे पास इंस्टॉल्ड है मेरे कंप्यूटर पे। सेकेंड थिंग, आपको चाहिए जीमेल का अकाउंट। और थर्ड थिंग, आपके पास कोई भी साइट चाहिए जो लाइव है। लाइव मीन्स अभी इंटरनेट पे आप वो विजिबल है। तो हम देखेंगे आज हाउ टू ऐड वेबसाइट टू गूगल सर्च। गूगल सर्च के अंदर वेबसाइट को ऐड करना क्यों जरूरी है, अभी आज हम देखेंगे। जो एग्जांपल है, जो साइट मैंने खुद ही डेवलप किया है और वो मुझे आज तुम्हारे साथ मिलके गूगल में ऐड करना है। तो साइट का जो नाम है वो है mmtstimetable.com। जो साइट मैंने खुद बनाया है, ये साइट जो है वो साइट का डिटेलिंग है। इसके अंदर टोटल जो लोकल जो है जो हैदराबाद में चलते हैं उसके बारे में टोटल डेटा है। ये साइट मैंने खुद नहीं बनाया है, जो अभी मैं अपलोड या ऐड कर रहा हूँ गूगल के अंदर, गूगल सर्च के अंदर। लेकिन ये जो साइट है ये अभी मैंने डायरेक्ट चालू किया ब्राउज़र पे। लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, लोग इसको सर्च कर नहीं सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊँगा कि उसको कैसे ऐड करें। पहले आपको मैं समझाता हूँ, सीखे मेरे साथ कि आप कैसे चेक करें कि आपकी वेबसाइट या मेरी वेबसाइट गूगल के अंदर ऑलरेडी है या नहीं है। उसके वास्ते एक सिंपल सी गूगल का एक क्वेरी है, सर्च क्वेरी, उसको बोलते हैं हम साइट इज कोलन mmtstimetable.com। यहाँ पे साइट डो कोलन ये रिजर्व वर्ड है, उसके बाद हम यहाँ से जो मेरा वेबसाइट का नाम है कौन सा, ये मेरा वेबसाइट का नाम है। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसके बाद मैं इसको क्लिक मारूँगा, एंटर मारूँगा, गूगल सर्च पे क्लिक मारूँगा। तो गूगल आपको क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ देखिए डू यू ओन, आप ये ओनर है, ठीक है। गेट इंडेक्स एंड रैंक बाय गूगल, क्योंकि ये ऐसे क्यों बोल रहा है कि इसको मालूम है कि नोन दैट कि तुम्हारा जो वेबसाइट है वो गूगल पे नहीं है। नीचे देखिए यूअर सर्च साइट कोलन mmtstimetable.com डिड नॉट मैच एनी डॉक्यूमेंट्स, मीन्स गूगल इंडेक्स या गूगल सर्च के अंदर लिस्ट के अंदर आपकी वेबसाइट अभी अवेलेबल नहीं है। तो आई हम चालू करेंगे हाउ टू ऐड दिस वेबसाइट टू गूगल इंडेक्स और सर्च। पहले मैं आपको मेरी साइट का FTP करके दिखाऊंगा, उसके वजह से मुझे FTP क्लाइंट खोलना पड़ेगा। खोलने के बाद मैं उसको कनेक्ट करूंगा मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से। आप यहां देख रहे हैं ये जो है साइट में लेफ्ट में दिख रहा है मेरा कंप्यूटर है, माय कंप्यूटर, डेस्कटॉप, दिस PC वगैरह वगैरह।
और ये मेरे हार्ड डिस्क के फोल्डर्स है, ये मेरे हार्ड डिस्क के पार्टीशंस है, जिसके अंदर मैंने मेरा जो डेवलपमेंट जो है मैंने यहाँ पे करके रखा है, जिसका नाम है MMTS वेबसाइट। अब यहाँ क्लिक मारने के बाद आपको नीचे यहाँ पे पूरा फाइल्स देखेंगे, जो पूरा सेट यहाँ पे है मेरे लोकल कंप्यूटर पे। तो राइट में आप यहाँ दिख रहे हैं, ऊपर आपको दिख रहा है रिमोट साइट, ये दिख रहा है लोकल साइट, ठीक है। रिमोट साइट के अंदर आपको मुझे जाना पड़ेगा MMTS टाइम टेबल को जाना पड़ेगा। अभी ये यहाँ पे आप दिख रहे हैं कि ये मैंने FTP पहले रखा है, ऑन रख रखा है, अपलोड किया, इसलिए मेरा साइट अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, विजिबल है, ठीक है। ये लाइव है, ओके। लेकिन मुझे आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि ये मेरा साइट सॉरी गूगल के अंदर नहीं अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपन एक स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। पहला जो स्टेप है उसको हम करेंगे, हम गूगल की वेब मास्टर अकाउंट को लॉगिन करेंगे। वेब मास्टर अकाउंट ये कुछ अलग नहीं, आपके पास कोई भी जीमेल अकाउंट होता है तो आप उसको यहाँ पे भी सर्च करके निकाल सकते हैं, जैसे कि गूगल वेब मास्टर, उसके बाद एंटर मारिए, आपको यहाँ पे गूगल वेबसाइट आपको यहाँ मिलेगा, गूगल सर्च कंसोल उसको बोलते हैं हम, यहाँ पे हम उसको क्लिक मारेंगे। इसके बाद आपको अपने नॉर्मल ईमेल आईडी को लेके उसको लॉगिन करना पड़ेगा। मैं इसको कर रहा हूँ लॉगिन अभी, वेबमास्टर टूल या वेबमास्टर कंसोल सर्च कंसोल को आप ऐड करने के बाद आपको दिख रहा है सर्च कंट्रोल का ये मेन पेज है, जिसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको होम, साइड में आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मींस आपका खुद का साइट, जैसे कि मेरे पास ये बहुत सारे वेबसाइट्स हैं मेरे, अभी ये लाइव है, लिंक दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं ऐड प्रॉपर्टी। ऐड प्रॉपर्टी मींस एक्चुअली प्रॉपर्टी इज इक्वल टू अवर वेबसाइट, तो हम यहाँ पे जाके हम इसको क्लिक मारेंगे। ऐड प्रॉपर्टी के बाद आपको यहाँ पे गूगल बोलेगा आपका URL या आपका वेबसाइट का एड्रेस डालिए, तो यहाँ पे मैं डालूँगा http://www.mmtstimetable.com, ठीक है। इसके बाद मुझे करना पड़ेगा ऐड पे क्लिक। अभी ऐड पे क्लिक मारने के बाद गूगल आपको एक बोलता है रिकमेंडेड एक्शन, सेकंड है अल्टरनेट एक्शन या मेथड। रिकमेंड मेथड में आपको दिख रहा है यहाँ पे GoDaddy, इसकी ये क्यों दिखा रहा है कि अभी तक मैंने जो कुछ वेबसाइट मैंने बनाए थे उसको मैं गूगल को ऐड करते समय, गूगल सर्च को ऐड करते समय मैंने GoDaddy का ऑप्शन यूज़ करके उसको वेरीफाई किया था। वेरीफाई मीन्स आपको कन्फर्म करना है गूगल को मैं ही हूँ उसका ओनर या वेब मास्टर हूँ। वेब मास्टर मीन्स जो डेवलपर उसको डेवलप करता है। अल्टरनेटिव मेथड जो है जहाँ पे आपके पास समझ लीजिए कि दूसरा वे नहीं है तो उसको हम यहाँ से अपन ऐड कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव मेथड में आपको दिख रहा है एक होता है HTML फाइल अपलोड, दूसरा होता है HTML टैग, तीसरा है गूगल एनालिटिक और चौथा है गूगल टैग। इसमें सबसे इजी जो रहेगा आपको मैं सिखा रहा हूँ वो है HTML फाइल अपलोड। HTML फाइल अपलोड का मीनिंग ऐसा है कि जब ये ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो गूगल आपको एक HTML पेज या फाइल देगा जो अपन को डाउनलोड करके वो फाइल को मेरे सर्वर पे, जिसके मेरे वेबसाइट की सर्वर की रूट पे, रूट पोर्टल मुझे डालना पड़ेगा, वो डाल के मीन्स अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद मुझे इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि मैं अपलोड कौन करेगा, जिसने वेबसाइट बनाया है वो ओनर है, वो वेब मास्टर है। तो अपलोड करने के बाद आपको सिर्फ उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। वेरीफाई करने के बाद गूगल को समझ में आएगा कि यू आर द ओनर, आप उसके ओनर हो, वेब मास्टर हो, तो ये वेबसाइट गूगल आप खुद ही गूगल इंडेक्स या गूगल सर्च में ऐड करके लेंगे।
तो अपन उसको आगे जाएंगे अभी. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप हियर? यहाँ पहला स्टेप है डाउनलोड दिस HTML वेरिफिकेशन फाइल. आप देख रहे हैं फाइल का नाम है, दिख रहा है देखो, ठीक है. तो मैं यहाँ कहाँ करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक मारूँगा. क्लिक मारने के बाद गूगल आपको एक फाइल देगा जो सर्वर पे, उनके सर्वर पे है. वो फाइल हमें अपने लोकल कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप या कहाँ भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. तो मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड करता, ठीक है. तो मैं यहाँ पे सेव करता. सेव करने के बाद आपको ये फाइल डेस्कटॉप पे यहाँ पे विजिबल होता है, आपको यहाँ दिखेगा. ये देखिए ये फाइल है. तो ये फाइल हम इसको मेरे सर्वर के रूट फोल्डर पे अपलोड करेंगे. तो नीचे क्या मैसेज, सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, वो अपलोड द फाइल टू द http://www.mmts.timetable.com. तो इसको हम क्या करेंगे अभी, इसको ऐसे रहने दो. मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ. मैं FTP खोलूँगा. FTP के अंदर मैं एक बार इसको और एक बार कनेक्ट करता. कनेक्ट करने के बाद मेरा जो फोल्डर है MMTS टाइम टेबल, इसके अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे क्लिक मारूँगा. डेस्कटॉप के अंदर आपको यहाँ पे मैं इसको लास्ट मोड़ पे क्लिक मारूँगा तो आज का फाइल मुझे यहाँ देखिएगा, ये फाइल. तो ये फाइल को मुझे, ये देखो ये कहाँ पे है, ये लोकल साइट पे, लोकल कंप्यूटर पे. ये है रिमोट. रिमोट मीन्स जहाँ पे मेरा साइट होस्टिंग है, जहाँ पे मेरे फाइल्स पूरे चालू अपलोड है लाइव करने के लिए. तो मैं लोकल साइट से मुझे रिमोट को भेजना है. तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल क्लिक मारूँगा और यहाँ पे अपलोड करूँगा इसको. तो अपलोड करने बाद ये फाइल सर्वर पे जाएगी, मीन्स रिमोट साइट में जहाँ पे मेरी साइट होस्टेड है. अभी मैं यहाँ पे क्लिक मारूँगा प्लस मॉडिफाई. तो आपको ये देखिए यहाँ पे आपको ये फाइल दिख रहा है, जो फाइल मेरे कंप्यूटर पे लोकल PC पे डेस्कटॉप पे था, ठीक है. तो ये होने के बाद मैं इसको कनेक्शन को क्लोज करता हूँ. क्लोज करने के बाद मैं फिर गूगल वेब मास्टर कंसोल या सर्च कंसोल खोलता हूँ. सेकेंड स्टेप जो वो बोल रहा है कि अपलोड हो गया मेरा. तो तीसरा स्टेप जो है कंफर्म सक्सेसफुल अपलोड बाय विजिटिंग दिस, मींस वो मुझे बोल रहा है गूगल कि यहाँ तुम क्लिक मार के कन्फर्म करो कि ये फाइल आपने सर्वर पे अपलोड किया है एज अ यूज़र, एज अ ओनर, एज अ वेब मास्टर. तो मैं क्या करता, यहाँ पे मैं इसको क्लिक मारता. क्लिक मारने बाद यहाँ पे दिख रहा है गूगल साइट वेरिफिकेशन, गूगल का फाइल नेम दिख रहा है. तो इसको मैं आई विल क्लोज इट, इसको मैं बंद करूँगा ये होने के बाद. और नीचे मैं क्या करूँगा, वेरीफाई, क्लिक वेरीफाई बिलो. अभी यहाँ पे है, आपको यहाँ पे और एक प्रूव करना पड़ेगा, आई एम नॉट रोबोट. आई एम नॉट रोबोट होने के बाद मुझे करना है वेरीफाई. वेरीफाई मैं क्लिक मार रहा हूँ अभी. क्लिक मार दिया तो ये मैसेज फाइनलाइज होता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड यूअर ownership of http://www.mmts.timetable.com continued. इसके बाद हम सर्च कंसोल के आने के बाद देखेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है mmts.timetable.com. ये साइट अभी गूगल की इंडेक्स या गूगल की सर्च पे ऐड हुआ है. ये होने के बाद इसको मैं लॉग आउट करूँगा. ओके 12 घंटे हो चुके हैं. उसके बाद हम चेक करेंगे कि अपनी वेबसाइट जो आपने ऐड किए थे गूगल की वेबमास्टर या कंसोल टूल में, वो अभी ऐड हुआ है कि नहीं है. ये चेक करने के लिए हम गूगल का पेज खोलेंगे. पेज के अंदर सर्च में टाइप करेंगे साइट कोलन MMTS टाइम टेबल .com, जो साइट हमने 12 घंटे पहले ऐड की थी. ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये साइट सक्सेसफुली ऐड हुआ है गूगल सर्च इंडेक्स के अंदर. इसको करीबन कभी कभी 12 से लेकर 24 आवर्स इसको लगता है
लेकिन कंफर्म करने के लिए हमें ये क्वेरी देना पड़ेगा, ये जो है ना साइट कॉल इक्वल टू आपका वेबसाइट का नाम। तो ये अपना सक्सेसफुली आपका साइट अभी गूगल इंडेक्स या सर्च में ऐड हो चुका है। आज का लेसन ये पे ख़त्म होता है। यदि आप कोई कमेंट सजेशन देना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे आप दे सकते हो। यदि आप यह वीडियो से संतुष्ट है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। हम फिर जल्दी मिलेंगे और एक कंप्यूटर शिक्षा वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।